हम भागेंगे इस तरह सारे, अच्छा वो रील बनाएंगे, चल चले गिरे पड़े, मैंने देखी थी किसी की, अच्छा तो तो गिरेगा कौन? वो गिरेगा, लवीश गिरेगा, छोटा लवीश ही गिरेगा छोटा हूँ तो क्या हो गया, ये गिरेगा लग गई तो यो, मैगी अच्छी है, मजा आया ना, डिफरेंट लगती है ना पहाड़ों पे, दिल्ली फील अलग होती है, पानी का फर्क है, हम सोचते हैं पता नहीं क्या है पहाड़ों की मैगी, पहाड़ों की, हाँ लोग ऐसे स्टोरियां डालते हैं, अब पता लग रहा है खाकर। तो ये पहुंच गए हम तत्तापानी। इस बार हमने गाड़ी, पहले हम उस साइड लगाते थे पर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, इस बार रास्ता आगे से ग्राम पंचायत की, इन्होंने पार्किंग खोली है, यहाँ पे ओपन पब्लिक स्पेस है। मछली पानी में गई चपैक। तो भाई साहब, आपने तत्तापानी में अगर आके बोटिंग, फास्ट बोटिंग या जेट स्की करनी हो तो यहाँ पे करना अच्छा है। वैसे इन्होंने रेट्स दे रखे हैं, जेट स्की का 5 मिनट्स का 1000 पर राइड है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम, जैसे मैंने बताया लास्ट व्लॉग में, हम जा रहे हैं तत्तापानी। तत्तापानी एक जगह है जहाँ पे एक लेक है, वहाँ पे बोटिंग वगैरह होती है और कुछ वाटर एक्टिविटीज होती हैं। बोलो भी स्की करेगा, वाटर जेट स्की? नहीं, ट्राई करेंगे अगर हुआ ना, अभी टाइम भी थोड़ा ऐसा हो गया, पर हम फोटोज क्लिक करेंगे हर जगह पे, है ना? तो और क्या, बढ़िया बढ़िया रील भी बनाएंगे। क्यों दीदी, वेदर बहुत ऑसम हो रहा है, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा, है ना? अभी थोड़ा सा धूप की वजह से थोड़ी गर्मी है, वैसे ठीक है, हवा बढ़िया है, ठंडा में ठंडा है और वैसे धूप में, पर शाम तक ठंडक हो जाएगी, हम जैकेटें लाएंगे, शाम को तो वैसे ही हमें ठंडा, कोई टेंशन नहीं है। वो भाई साहब हमारे जा रहे हैं गाड़ी भगाते हुए, दबा दब उनको रील बनानी है, इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो यहाँ पे जो गोल्फ कोर्स बना हुआ है नालदेहरा में, हम वहाँ पे आए हैं, वैसे हर बार यहाँ पे रील बनाते हैं, तो इस बार भी सोचा कि रील बनाए, दीदी भी आई है तो जीजू के साथ बनाते हैं। पर इस बार ये नया यहाँ पे रेलिंग लग गई है, पहले नहीं थी, और यहाँ पे थोड़ा सा गार्डन भी कुछ सूखा सूखा सा लग रहा है, यहाँ पे एक ये लगी हुई है ना, तो ये गोल्फ का इनका फ्लैग होता है, आगे भी देखते हैं, नहीं तो यहीं पे थोड़ी फोटोज क्लिक कराते हैं, और आगे क्यों निकलते हैं, यहाँ से व्यू देखो कितना प्यारा आ रहा है। क्या करना है, हम भागेंगे इस तरह सारे, अच्छा वो रील बनाएंगे, चल चले गिरे पड़े, मैंने देखी थी किसी की, अच्छा तो गिरेगा कौन? लवीश गिरेगा, छोटा लवीश गिरेगा, तो क्या हो गया, गिरेगा लग गई, तो भाई तो कोई गारंटी थोड़ी देगा, मामू करे इसका, ये वीडियो कौन बनाएगा, वीडियो बनाएगी, चलो जी भागना पड़ेगा। ये हमारा वो है, ये हमें गाइड कर रहा है। तो हमने काफ़ी सारी फोटोज और काफ़ी सारी रील्स बना ली हैं, और एज यूजुअल अगर आपको मेरी फोटोज जो हमने क्लिक करी हैं, जो भी रील बनाई हैं, आप जाकर आप देख सकते हो, सौरभ अंडरस्कोर महेंद्रू, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरे भाई का भी है गौरव महेंद्रू, तो बट से रील बनाते हैं हम, देखना। पर इस बार जो है अच्छा नहीं था ना गार्डन, पिछली बार बढ़िया था। अब हम जा रहे हैं नालदेहरा से तत्तापानी की ओर, काफ़ी नीचे जाके एक लेक बनी है, वहाँ पर जाएंगे, चले। यो, एक्साइटमेंट ही खत्म नहीं हो रही इनकी, कितनी बार रीले बना चुके फिर भी तुम यही बनाते हो, पापा गुस्सा हो रहे होंगे बैठ गए, कहाँ चले गए, चले। तो अभी तत्तापानी के रास्ते जाते हुए बीच में थोड़ा सा चाय ब्रेक के लिए सोचा कि रुका जाए, थोड़ा कुछ भूख भी लग रही थी, इतना भाग भाग के हमने रीले बनाई हैं, तो यहाँ पर मैगी और चाय पिए हैं। लविश, मैगी मैगी पहाड़ों की, मैगी पहाड़ों की, पहाड़ों की मैगी का अलग मज़ा है। यहाँ पे एक छोटी सी मूवी चल रही है, मुझसे दोस्ती करोगे, और ये नीचे तत्तापानी है जहाँ हम अभी जाने वाले हैं, अगर क्लियर दिख रहा होगा यहाँ से, तो पहाड़ों का व्यू तो अल्टीमेट आ रहा है यार, मस्त। रविश, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पहाड़ों की मैगी का, पहाड़ों की मैगी का टेस्ट अलग आता है। और दीदी, एक्साइटमेंट है, तत्तापानी में जाएंगे, रीले तत्ता पानी, वहाँ से स्प्रिंग वाटर निकलता गर्म, अब पता नहीं भी है या नहीं है, तो हमें भूख लग रही है, पहले कुछ चरा जाए, कुछ खाया जाए, उसके बाद आगे सोचेंगे क्या करना, फिलहाल पेट पूजा, उसके बाद कोई काम पूजा। ओहो भाई साहब, आगे पहाड़ों वाली मैगी, हल्की हल्की भूख लगी हो, मैगी अच्छी है, मजा आया ना, डिफरेंट लगती है ना पहाड़ों पर, दिल्ली फील अलग होती है, पानी का फर्क है, हम सोचते हैं पता नहीं क्या है पहाड़ों की मैगी, पहाड़ों, हाँ लोग ऐसे स्टोरियां डालते हैं, अब पता लग रहा है खाकर, हाईवे पे बैठे हो, पीछे पहाड़ दिख रहे हो, और यहाँ पे मैगी चल रही हो, चाय की वेट हो रही है, यो खाते हैं, चलो चलो हैवी ड्राइवर, पंजा दाबो पंजा, फोटो खींचेंगे वहाँ पे,
जेट स्की करेंगे। हाँ मैं खोलूँ एक मिनट, मैं अपनी गाड़ी खोलना बोले, बैठो। तो ये पहुंच गए हम तत्तापानी। इस बार हमने गाड़ी पहले हम उस साइड लगाते थे, पर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया। इस बार रास्ता आगे से ग्राम पंचायत की इन्होंने पार्किंग खोली है, यहाँ पे ओपन पब्लिक स्पेस है, आप गाड़ी फ्री में पार्क कर सकते हो। यहाँ पे कुछ इन्होंने अलग नए लोग आए हुए हैं जो बोटिंग करा रहे हैं, पहले सिर्फ वहीं हुआ करती थी, वो जो सामने देख लो उसकी वो जेट स्की वहाँ पे हुआ करती थी जब मैं लास्ट टाइम आया था। और भैया जेट स्की के वैसे क्या रेट है? पूरा आगे तक कितना लंबा? सर पूरा एरिया का राउंड रहता है। अच्छा पूरा आगे तक नॉर्मल राउंड रहता है, जो इसी एरिया में रहता है उसका रहता है 700। और ये नहर वैसे कौन सी है? ये सतलुज है। सतलुज है ना, चलो मैं पहले करके आते फिर। तो अभी ये गाड़ी में सामान क्या फोटो की नहीं है, ये जेट वो करेंगे स्पीड बोट, स्पीड बोट करेंगे वो बोली छप छप करती जाएगी, छप छप करती मजा आएगा, आ जाओ चप चप करती जाएगी मजा आएगा। लाइफ सेविंग जैकेट पहन लें, वैसे तो जरूरत पड़ती नहीं है पर पहन लेनी चाहिए सेफर साइड। नवी शिरो बन गया है, जैकेट वैकेट उतार के है, ये जैकेट पहन लियो टाइट। जेट स्की नहीं कर रहा तो पर जाके मजा आएगा, बड़ी तेज भागती है वो जा रहा है, वो देख वो सेल्फी स्टिक लेके जा रहा है, तुम भी ले जियो। चलो हम चलते हैं, वो हमारी फास्ट बोट है ये जो खड़ी है उसके आगे, और हमने थोड़ा सा प्राइस नेगोशिएट कर लिया, बाद में बताता हूँ। हाँ हो गया ये भैया से फोटो खिंचवाई सर, ये पानी में फास्ट बोटिंग का मजा लेते हुए मजे ही मजे, एक मछली पानी में गई छपैक छपैक, और ये यहीं से हम ऊपर से आए थे और यहाँ से हम नीचे से बोटिंग करते हुए आगे से पूरा एक चक्कर लगा के वापस आएंगे। काफ़ी बड़ी बड़ी बोट्स हैं और मैं सबसे आगे बैठा हूँ क्योंकि मैंने फोटोज और वीडियोज बना दी है। हेलो कर दो, फोटो खींचेंगे। भाई साहब ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा फास्ट बोटिंग का, मजा आया। और लविश को कैसा लगा? लविश ने फर्स्ट टाइम लगा, पूरी हवा लग रही थी, ओए ठंडा पानी था ना, ठंडा पानी मेरे छू के देखो इतना, और बहुत पहले ना मुंह पे भी आ रहा था ना बीच में, ऐसा बीच में, और जेट स्की क्यों नहीं कर रहे? हां जेट स्की करो वो और मजा आएगा, नेक्स्ट टाइम करियो, चलो अभी डर लगेगा। वो छपाक जब कर रहा था तो मजा आया था, और जब ऐसे वेव्स भी आई फिर उसके ऊपर जा रही मजा आ रहा था। मेरे मामू भी बोल रहा था एक मछली पानी में गई चपक। तो भाई साहब आपने तत्ता पानी में अगर आके बोटिंग फास्ट बोटिंग या जेट स्की करनी हो तो यहाँ पे करना अच्छा है। वैसे इन्होंने रेट्स दे रखे हैं, जेट स्की का 5 मिनट्स का 1000 पर राइड है, बोट का 10 मिनट्स का 800 पर राइड है, और स्पीड बोट का थोड़ा सा मिस हो गया, बट ओवरऑल मैंने थोड़ा सा नेगोशिएट किया था, भैया बहुत कोऑपरेटिव है, उन्होंने अच्छा
डील दे दी थी हमने 1200 में, सब ने 7 बंदों ने कर ली, वैसे 200 पर पर्सन है, बट आप आते हो थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे तो अच्छा मिल जाएगा। एक शुरू में भी होती है बोटिंग जेट्स की, वहाँ पे भी होती है, वो जो देख रहे हो बड़ा सा एक दिख रहा होगा दूर, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव थी, मैं लास्ट टाइम आया था जब तब थोड़ा एक्सपेंसिव लगी थी। तो आप जब ग्राम पंचायत के अंदर एक पार्किंग है 200 मीटर आगे आके एंटर करते ही, तो यहाँ पे ओपन पार्किंग है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। और शुभम भैया हैं, आप उनसे आके बात कर सकते हैं, अगर मेरे चैनल की रेफरेंस देंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा डिस्काउंट दे दें। तो फिलहाल चलते हैं फोटोज वोटोज क्लिक करके फिर आगे निकलते हैं, अंधेरा होने वाला है, पर ये एरिया बहुत अच्छा लगता है क्योंकि चारों तरफ पहाड़ है और बीच में थोड़ा सा रिवर जो लेक सतलुज नदी का एक थोड़ा सा लेक पोर्शन कटा हुआ है, और यहाँ पे चल रहा है फोटो सेशन। तो शुभम भैया से चैनल सब्सक्राइब कराएंगे, फिर मैंने ब्लॉग में डाला है कि आप जब भी यहाँ पे आओ तो शुभम भैया के पास आना बोटिंग करने। अभी चलो 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 ब्लॉग तो बहुत मस्ती कर ली हमने, बोटिंग वोटिंग कर ली, तो हम यहाँ से वापस निकलेंगे होटल की ओर अभी। तो यहाँ से वापस निकलेंगे होटल की ओर, अभी टाइम हुआ है 6 बजे का, आधे घंटे में एक्सपेक्टेड अंधेरा हो जाएगा, तो उससे पहले पहले पहुंच तो नहीं पाएंगे, पर फिर भी मतलब मोस्ट ऑफ द रास्ता कवर हो जाएगा हमारा। चलते हैं यहाँ से बाहर की ओर। तो अभी घूम फिर के अच्छी खासी थकावट हो गई है, गाड़ी चलाई है, कल रात को भी पूरी नींद नहीं कर पाए थे, तो अभी थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा रेसिंग मोड पे आए हैं, वो देखते हैं जाके लविश और बाकी लोग क्या कर रहे हैं। सबके रूम साथ साथ ही हैं, सबके अंदर सेम ही व्यू है, पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये भैया भाभी का रूम है 302, और ये है लविश का रूम। देखिए लविश क्या कर रहा है, लविश क्या कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो? कैसा लग रहा है, थकावट नहीं ठीक है, थकावट नहीं, पर वो एक्चुअली वो बोटिंग के लिए एकदम पहाड़ों के बीच है ना, बड़ा सही बना। पानी वो बर्फ को ऊपर ग्लेशियर पिघल के आते ना उसके अंदर, यहाँ पे जो बर्फ लगाओ परफेक्ट है। हाँ अभी ना ज्यादा गर्म है ना ठंडा, हाँ ड्यूरेबल है, बहुत ज्यादा ठंडा भी अच्छा नहीं लगता। अब कल हम क्या कवर करेंगे? अच्छा रुको, तो फिलहाल प्लान कल का ये है कि कल हम जाएंगे सुबह कुफरी देखेंगे, अगर बर्फ़ हुई तो, वैसे तो होटल वगैरह शायद बर्फ़ नहीं है, पर वहाँ पे फिर भी हम ट्राई करके, क्योंकि मौसम ठंडा होता है तो वहाँ पे ट्राई करेंगे। फिर उसके बाद जाएंगे वॉइस रॉय करके एक बना हुआ है, वहाँ पे हिस्टोरिकल काफ़ी कुछ है सीखने को, वहाँ पे हमारा कैसे संविधान वगैरह बना, कहाँ पे सब मीटिंग्स होती थी पुराने लोगों की, वो देखने को है। फिर उसके बाद जाएंगे मॉल रोड, और संडे को अगर टाइम से यहाँ से निकल के तो चंडीगढ़ कवर करके आएंगे, मिल्क शेक एंड कंपनी में मिल्क शेक या लांटे मॉल या सुपर। ठीक है लवी, ये प्लान डन, ये मिल्क शेक तो पीना है, मैंने भी दो हमी चिकन पोटैटो, चिली चिकन, मतलब थोड़ी एक दो आइटम धीरे भेज देना। चाय पीने के बाद फाइनली हमारा गया चिली चिकन, ये अब पहले ये बताओ खाने में क्या अच्छा लगा लवी?
फ्रेंच फ्राइज बढ़िया, पीनट मसाला अच्छा था, थोड़ा सा वो सही नहीं लगा ना, वो हनी चिली वैसे अच्छा लगा, नहीं मुझे हनी चिली पसंद आया, मुझे भी थोड़ा सा वो ज्यादा मीठा मीठा था, शेजवान थी ना। अब ये बताइए सर कैसा है चिली चिकन? हाँ जी बताइए, सब बढ़िया था? सब बढ़िया है, सब खा लिया, सब ठीक है? यो थम्स अप, कैसा है? यमी, गुड फूड। कौन? पता नहीं, चलो अब हम खाएंगे यो ब्लॉग में, अब हम खाएंगे यो भूख लगी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, माल रोड जाएंगे अगले भी, मामू कहाँ लेके जा रहे हैं? मॉल रोड आफ्टर टू पैक चांद पे, नहीं मॉल रोड आफ्टर थ्री पैक चांद पे। ये हो थम्स अप, बटर चिकन खाए, अभी क्या खा रहे हैं? आइसक्रीम खाएंगे, बटर चिकन में आइसक्रीम घोल के खाएंगे। तो इट्स डिनर टाइम नाउ, ये यहाँ पे रेस्टोरेंट में बैठ के हम फैमिली डिनर करने वाले हैं। क्या टाइम हुआ अभी? और यहाँ पे मैच चल रहा है आईपीएल का, 10 बज गए और हम बड़े सही टाइम पे यहाँ पे डिनर करने आए हैं। हाँ क्या लेना है? यो अच्छा KKR और दूसरा कौन है? SRH का मैच है, मैं ज़्यादा देखता नहीं, तो मुझे आइडिया। फोटो सेशन कर रहे हैं यहाँ पे, फोटो क्लिक करेंगे यहाँ पे, अभी हमारा डिनर आएगा, मैं आ जाऊँ पहले फोटो खींच रहा हूँ। आ गया हमारा पनीर भुर्जी, बटर चिकन, और अब आने वाली है चपाती, और अब हम खाएंगे डिनर। हाँ टीवी, हेलो यार टीवी का फैन है, नहीं जीतेगी पर जीतेगी नहीं, कोई नहीं, हम डिनर करते हैं फिर कैरी ऑन। तो पहले हो गया डिनर, अब आइए स्वीट डिश। अब क्या करना है? घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, कैसे पकड़ने लगी जैसे? चलो रुको पहले मैं कैमरा ऑन। ओ डिनर भी हो गया, स्वीट डिश भी खा ली, अब थोड़ा सा वॉक कर लिया। बहुत पीस है यार यहाँ पे, कोई दूर दूर तक ट्रैफिक नहीं है, इवन कुछ पत्थर भी गिरेगा ना तो उसकी भी आवाज़ आएगी। बड़ा पीसफुल लग रहा, बाहर खड़ा होकर बड़ा अच्छा लग रहा था, हवा ठंडी ठंडी चल रही है। और होटल गोल्फ लिंक में अब टाइम है गुड नाइट करने का, 10:30 हो चुके हैं, अब सारे बाकी तो चले गए नीचे, मैं भी जा रहा हूँ, पानी की बोतल लेने आया था गाड़ी से। तो मिलते हैं आपको कल नई वीडियो में, कल देखते हैं कहाँ कहाँ कवर करते हैं, प्लान तो है शिमला मॉल रोड कवर करने का और कुफरी जाने का, बाकी देखते हैं। तो कल मिलते हैं सुबह आपको, टिल देन हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, मुझे पूछना आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और लाइक करना वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो, शेयर करना अपने फ्रेंड्स से। मिलते हैं आपसे जल्दी, टिल देन गुड नाइट, टेक केयर।